फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा व्लॉग एंड रसोई में। तो फ्रेंड देखिए, आज मैंने बनाई थी बालूशाही और साथ ही साथ फिर से कॉर्न फ्राई किया था क्योंकि बच्चों को खाना था। और देखिए, भगवान जी की पूजा पाठ करने के बाद मैं वापस से भिड़ गई थी अपनी किचन में, जो मेरा रोज का ही काम है। तो देखिए, मैंने आज बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है, तो मसाले पीस कर बनाई थी, कुछ खड़े मसाले और प्याज जो है पीस ली थी मिक्सी में, तो उसे भून के और धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर डाला था और साथ साथ बड़े बड़े पीस में टमाटर काट के डाल दिया था, साथ ही नमक भी ऐड कर दिया था। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे किचन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड, आज बहुत ही ज़्यादा फैल गया था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम रहता है, तो कई बार मैं फिर बाद में समय ऐड लेती हूँ फ्रेंड। तो प्लीज़ इग्नोर माई किचन फ्रेंड्स। तो देखिए, बढ़िया सी टेस्टी सब्जी बनाई थी मैंने आज कढ़ाई में। और देखिए, मसाले भुनने के बाद इसमें डाल दिए थे बैंगन और आलू और ढक करके अच्छे पका लिया था इसे। और आज बनाई थी बालूशाही भी बनाई थी मैंने फ्रेंड, एक रेसिपी देखी थी जो कि बहुत ही वायरल हो रही थी। तो देखिए, घी जो है उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करके और साथ साथ जो है मैदा वो भी ऐड कर लिया था मैंने, और पानी डालकर इसे गूंथ लिया था आटा सॉफ्ट सा, और साथ साथ गोल गोल लोई काट करके इसे गोल गोल राउंड में हाथ से दबा के और देखिए छेद कर लिया था बीच में, तो ये सेब तैयार हो गया था बालूशाही का। तो मैंने ऑयल में सेकी थी, आप चाहें तो घी में भी सेक सकते हैं इसे। और देख सकते कितनी अच्छी बनी थी, एकदम पूरी भीसक गई थी अंदर तक, इसमें जो है एकदम सीरा जो है ना रस का वो एकदम पूरा भर गया था अंदर तक, बहुत ही अच्छी बनी थी फ्रेंड्स बालूशाही भी मेरी। अब कौन तो बच्चों को इतने पसंद है कि वो दिन में दो बार बनवाते मे से। तो चलिए, शाम के खाने में मैंने आज बनाई थी मसाले वाली पूड़ी फ्रेंड्स। बेसन और आटा मिक्स किया था और इसमें कुछ मसाले डाल दिए थे, तो इनको आज खाना थी मेरे हस्बैंड जी को, तो मैंने यही बनाई थी आज पूड़ी। और सब्जी मेरी सुबह की दोपहर की रखी थी, तो मैंने चटनी टमाटर की भी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाई थी फ्रेंड। तो देखिए बालूशाही कितनी टेस्टी लग रही है ना। तो फ्रेंड देखिए, पूड़ी फिर मैंने सेकी फटाफट गरम गरम, क्योंकि मौसम भी हो रहा था बारिश का, तो सभी को ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो फिर मेरे मम्मी पापा तो अभी हैं नहीं यहाँ पर, वो गए हैं दीदी के पास, गए हैं दिल्ली, है कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रे कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम है हमारी फैमिली में जल्दी जल्दी ठीक हो जाए फ्रेंड्स। मैं कभी आपसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी, पर प्लीज़ आप सभी प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी प्रॉब्लम हमारी फैमिली में जल्दी जल्दी अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, तेल हो रहा था गर्म तब तक मैं पूड़ी बेल रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा वीडियो को फ्रेंड्स, और एक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं हर रोज़ कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी फ्रेंड्स, बने रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो चलिए, इसे मैंने पहले क्या किया था, लोई काट के पूड़ी बेल ली थी पाँच छः, क्योंकि गर्म तेल में फटाफट सिक जाती है फिर। तो बढ़िया से सेक ली मैंने गर्मा गर्म पूड़ी ऑयल में। तो जी फ्रेंड, जब भी आप पूड़ी बनाएं तो पूड़ी का जो आटा है ना उसे थोड़ा सा सख्त, थोड़ा सा कड़ा ही गूंथें, और बाद में हल्का सा तेल लगाकर हाथ में उसे अच्छे से मीज लें, तो पूड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। आपने क्या किया फ्रेंड्स आज, क्या बनाया, आपके यहाँ मौसम कैसा है, मुझे भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आपके यहाँ भी बारिश बहुत हो रही होगी, लेकिन फिर भी फ्रेंड बारिश कितनी भी हो फिर भी गर्मी अभी भी बहुत है ही, गर्मी लगती है किचन में जब काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है।
तो जल्दी से मैंने सारी पूरी सेक ली थी और सभी को दे दिया था। जल्दी जल्दी से खाना। आज टमाटर की चटनी बनाए थे ना। टमाटर की चटनी कैसे बनाए थे फ्रेंड? टमाटर डाले थे पॉट में काट कर, उसमें डाले धनिया, हरी मिर्च और साथ साथ जो जीरा होता है भुना हुआ जीरा का पाउडर और साथ साथ चाट मसाला, नमक। तो बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी। देखिए यही चटनी है फ्रेंड और पूड़ी। और साथ साथ मैंने आज बालूशाही भी बनाई थी, ये देखिएगा। बालूशाही बताई थी मैंने आपको, बहुत अच्छी बनी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।